दूषित खाना खाने से छात्रावास के दर्जनों छात्र बीमार। शासकीय सीनियर बालक छात्रावास किरणापुर के दर्जनों छात्र दूषित खाना खाकर बीमार हो गए। शिकायत करने पर अधीक्षक छात्रावास द्वारा निकाल दिए जाने की दी जा रही धमकी। आपको बता दें कि मामला अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय सीनियर बालक छात्रावास का है, जहां दर्जनों छात्रों ने मीडिया को बताया कि हमें खाने में पतली दाल सहित सब्जी अधपका चावल खिलाया जाता है, जिससे आए दिन छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है। साथ ही खाना बनाने वाले से लेकर चपरासी तक दिन भर नशे की हालत में रहते हैं और शराब की बोतल रसोई कमरे में रखी जाती है। छात्रावास में रहने वाले छात्र प्रिंस पटले ने बताया कि मैं कोचिंग गया था और खाने के वक्त 15 मिनट लेट पहुंचा तो मुझे खाना नहीं दिया गया और मैं दिन भर से भूखा हूं। इसके साथ ही एक छात्र नवीन उइके ने बताया कि खराब खाने खाने की वजह से मुझे 2 दिनों से दस्त लगी हुई है और बुखार भी आ रहे, लेकिन मुझे कोई दवाई व उपचार नहीं किया गया है। जबकि एक छात्र अनिल चौहान या विशाल बापट ने बताया कि खाना कच्चा और स्वादहीन दिया जाता है, जिससे लगातार पेट की समस्या आती रहती है और दस्त चालू हो जाती है। इस संबंध में जब हम सभी छात्र अपने अधीक्षक महोदय डी के रामटेके के शिकायत करने पहुंचे तो उनके द्वारा हमें भी डांट फटक कर छात्रावास से निकाल दिए जाने की धमकी देकर भगा दिया जाता है। बता रहे थे और अधीक्षक महोदय से क्या शिकायत? सर, हमारे जब भी हमारे पेट दुखते हैं खाने की वजह से, और सर को हम शिकायत करते हैं कि सर हमारा पेट दुख रहा है, हम आज स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो सर बोलते हैं कि तुम नाटक करते हो, बस टेबलेट ला के रख दिए हैं और वो टेबलेट देते हैं और चले जाओ कहते हैं। जब स्कूल में हमारी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है तो फिर हम जब वहाँ से छुट्टी मांग के आते हैं और यहाँ पर जब सर देखते हैं हमको कि छुट्टी मांग के आया या भाग के आया सोचते हैं, तो जब हमको पूछते हैं और सर को हम बताते हैं अपनी प्रॉब्लम कि सर ज़्यादा ही पेट दुख रहा था इसलिए हम लोग रिटर्न आ गए। तो ये जो पेट दर्द हो रहा था ये खाने की वजह से पेट खराब हो रहा है आप लोगों का लगातार खाने की? अच्छा, एक बच्चा भी अभी भी पेचिस से परेशान है, वो कब से है? वो 2 दिन हो गया उसको मिनिमम, उसको भी पेचिस चालू है। हाँ, और इसके पहले भी कई बच्चे हैं ऐसे जिनको यानी कि पेट दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और उन पर सर ने ध्यान ही नहीं दिए हैं बिल्कुल भी। मेरी भी हालत वैसी है, अभी भी पेट बहुत दुखता है मेरा भी हर दिन। सभी बच्चों का जितने मतलब भी पूरा खाने में जो है समस्या, खाने की हाँ। समस्या है। और सर को बोलो, सर बोलते हैं कि ये टेबलेट खाओ और स्कूल जाओ। कहाँ आप अभी कौन से छात्रावास में? सीनियर बालक छात्रावास किरणापुर। और कहाँ पढ़ते? उत्कृष्ट। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या हो रही थी? खाने को समस्या बता रहे थे खाने को लेकर जी। हम जब खाना खाने जाते हैं और जब खाना लेते, जब भी वो जो खाने वाले रहते वो हमको डांटते हैं, और फिर हम खाना जैसे लेते तो सब्ज़ी में पूरा पानी, तो कभी नमक ही ज़्यादा हो जाता है और मेरा पेट भी बहुत दुखता है। एक भैया तो अभी पेचिस की वजह से बहुत परेशान है, और सर को बोलो तो सर हमको गालियाँ देते, डांटते हैं। वो अंकल को भी बोलो तो वो भी गालियाँ देते। और हमने कल एक भैया को बताया, वो स्वास्थ्य सचिव है, उनको बताए तो उनने बोले सर को, सर जी इस बच्चे को गोली चाहिए, तो सर भी उसको गाली दे रहे थे। अच्छा, और जब भी बोलो तब हमको डांटते रहते, घर चल जाओ ऐसे बोलते। क्या समस्या बता रहे थे छात्रावास खाने को लेकर बता रहे थे आप समस्या? जी, इसमें खाने को लेकर बोल तो चावल गीला बनता है और सब्जी में तो कोई पानी बनता है कभी कभार, या बनाने वाले की तो पूछो मत, इसकी बातें चल जाए। अभी आपकी पेट खराब की समस्या आप बता रहे थे? हाँ, अपनी तो पेट खराब है, 2 दिन हो गया कल से तबीयत बोल तो पेट खराब है, उसके साथ साथ थोड़ा बुखार भी है। क्या बोलते अधीक्षक महोदय से इस संबंध में बात की आपने, शिकायत की? जी, बात किया था कल, मैं बोला सर थोड़ा सर्दी भी था कल, तो सर सर्दी है गोली देने वाला था, तो बोले नहीं ये सर्दी उर्दी कुछ नहीं, सब बहानेबाजी करते बोल रहे थे। अच्छा, आपका परिचय? डी के रामटेके जी। कौन सा छात्रावास है? बालक छात्रावास के नाम पर। सीनियर बालक छात्रावास। कितनी यहाँ पर टोटल बच्चों की दर्द संख्या है? 50।
50 दर्शन क्या है, ये बालक छात्रावास है। सर कुछ बच्चों ने हमें बताया है कि खाने को लेकर काफ़ी समस्या है और कच्चा खाना, दाल पतली, और उसके कारण उनको उल्टियाँ और दस्त भी हुई है, ये क्या मामला आपके संज्ञान में है? सर देखिए, मेरे छात्रावास में वैसे भोजन तो सुबह शाम दाल सब्जी और रोटी बनती है, स्वच्छता का तो पूरा ध्यान अपने लोग रखते ही हैं, पर बच्चे जो बता रहे हैं तो शायद अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, परंतु प्रतिदिन का मेनू मेरे अनुसार ये है कि जो हरी सब्जियां बाजार में मिलती है वो, और दाल सब्जी रोटियां सुबह शाम दोनों टाइम मिलती है। बच्चे लगातार इस बात पर फोकस करते रहे कि खाना जो है वो कच्चा दिया जाता है, और उनके कारण उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही। हमने अभी देखा है कि दो बच्चे उल्टी और दस्त से परेशान हैं, तो वो क्या कारण है? क्या अभी इस विषय में आपने जो रसोईया है उनसे बात की, या किस तरह मैनेजमेंट करते हैं आप? देखिए सर, वह ये खर भोजन तो कच्चा नहीं बनता है, और गिला भी शायद हो सकता है कभी, मतलब मैंने अकस्मात घर वाले एक आधबार कभी गिला हो गया हो तो बात अलग है, परंतु भोजन तो अच्छा ही बनता है, मतलब गुणवत्तापूर्ण ही भोजन हम लोग बच्चों को देते हैं। बच्चों ने एक चीज़ और भी बताई कि यहाँ पर शराब पी जाती है और वो रसोई में शराब की बोतलें भी रखी हुई है, क्या ये आपके संज्ञान में है? जी नहीं, ये अब ये शराब के संबंधित तो मतलब मुझे कोई जानकारी है नहीं, पर यदि अगर ऐसी कोई शिकायत अगर मान लो सामने आती है तो इस पर मैं जरूर ध्यान रखूँ। बच्चों ने ये भी बताया कि उल्टी और लगातार हो रही तबीयत के बाद जब हम लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ से वापसी होते हैं, तो हमें अधीक्षक महोदय द्वारा डांट डटकार कर भगा दिया जाता है कि आप लोग नाटक करते हैं, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है, दवाइयाँ नहीं दी जाती, सारे आरोप बच्चों ने लगाए। नहीं सर, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे यदि मान लो किसी प्रकार का अगर तबीयत यदि खराब होती है और बच्चे यदि आते हैं तो उनको जो हॉस्पिटल के द्वारा जो प्राथमिक उपचार के रूप में जो दवाइयाँ दी गई है वो दवाइयाँ बच्चों को मतलब प्रदान की जाती है। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि आप मतलब 2 बजे या 1 बजे 12 बजे ही